और अरविंदो फार्मा एक अच्छी खबर, पेंजी प्लांट और इंजेक्टेबल फैसिलिटी का यहाँ पर और पैलेट्स का प्लांट अब अपना प्रोडक्शन शुरू कर रहा है और ये कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू हो चुका है। 20 जनवरी को ही हमने बताया था कि ये प्लांट अप्रैल की शुरुआत में या मार्च के अंत में शुरू हो जाएगा और हमारी खबर पर मुहर लगती हुई एक पॉजिटिव खबर और अरविंदो फार्मा के लिए। इन्फोसिस, यहाँ पर जो अनिल जी अभी बात भी कर रहे थे, करीब 6,300 करोड़ के रिफंड की उम्मीद है, कंपनी कह रही है। 2007 से कुछ सालों का जो असेसमेंट ऑर्डर मिला है उसमें कंपनी का कहना है कि हमारा असेसमेंट ये कहता है कि यहाँ पर रिफंड आना चाहिए, उस पर फिर ब्याज कंपोनेंट भी होना चाहिए। अब देखते हैं इस पर क्या डेवलपमेंट होगा, बट अगर आता है रिफंड तो बहुत ही बढ़िया खबर है कंपनी के लिए। ओके, तो ये है अच्छी खबर। इसके अलावा हिंडाल्को, इसके लिए भी अच्छी खबर आती हुई दिख रही है। थाईलैंड से इंपोर्ट किए जाने वाले एल्यूमिनियम फॉइल पर एंटी डंपिंग ड्यूटी बढ़ सकती है। ये अगर होता है तो फिर हिंडाल्को और देश में एल्यूमिनियम फॉइल बनाने वाली कंपनियों के लिए एक अच्छी खबर होगी। ओरिएंटल कार्बन के लिए भी अच्छी खबर हो सकती है क्योंकि चीन और जापान से आने वाली इनसॉल्युबल सल्फर पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई जा सकती है। DGTR ने ऑलरेडी इस पर जाँच शुरू कर दी है और इंडिया में एकमात्र उत्पादक इस केमिकल का ओरिएंटल कार्बन है, तो बढ़िया खबर होगी अगर यहां पर एक्शन आता है। तो एक खबर ऐसी है जो रिलायंस ONGC और साथ ही सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों पर डालेगी असर। पावर और सिरामिक कंपनियों के लिए भी यह खबर बड़ी काम की। डिफिकल्ट फील्ड से जो गैस निकाली जाती है उसके दाम में कटौती करने का सरकार ने फैसला लिया, तो ये जो गैस के कंज्यूमर है उनको फायदा और गैस निकालने वाली कंपनियों को नुकसान, जैसे कि रिलायंस ONGC इनके लिए नुकसान की बात है, लेकिन सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन और पावर कंपनियों के लिए ये अच्छी खबर है। डिफिकल्ट फील्ड से गैस निकालने के दामों में तीसरी बार सरकार ने की है कटौती। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज और साथ ही रेस्टोरेंट स्टॉक्स, QSR स्टॉक्स, यहाँ पर आपको फायदा होगा क्योंकि एयरलाइंस के लिए ATF के दामों में कटौती आपने होती है देखिए, कभी 500 रुपये प्रति किलो लीटर की कटौती है। कमर्शियल LPG सिलेंडर होता है, घरेलू नहीं, कमर्शियल जो 19 किलो वाला होता है उसमें भी 30 रुपये प्रति सिलेंडर की कटौती हुई है, तो दोनों तरफ से अच्छी खबर है, बट OMCs पर इसका इम्पैक्ट आ सकता है। ऑर्डर मिलने की खबरें अच्छी हैं हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी कि HAL के लिए, और कंपनी को कोचिन शिपयार्ड से 1173 करोड़ का एक ऑर्डर मिला है। वहीं टोरेंट पावर को भी एक बढ़िया ऑर्डर मिला है 1825 करोड़ का। ऑर्डर विन की खबर जारी है HG इंफ्रा के लिए भी, इन्हें लेटर ऑफ अवार्ड मिला है 220 करोड़ के एक प्रोजेक्ट के लिए, सोलर पावर प्रोजेक्ट है ये। और RV इन्हें लगातार इन्हें ऑर्डर मिलते हैं, 3 ऑर्डर मिले हैं, कंबाइंड वैल्यू 300 करोड़ से ज्यादा है इस कंपनी के लिए। केनरा बैंक के लिए अच्छी खबर है, केनरा रेबोको एसेट मैनेजमेंट यानी कि इनके जो म्यूचुअल फंड में उसमें बैंक ने अपनी हिस्सेदारी 13% कम करने के लिए मंजूरी दे दी और IPO के जरिए इससे कम किया जाएगा, यानी कि केनरा रेबोको म्यूचुअल फंड का IPO आएगा और IPO आने से केनरा बैंक के लिए होगी वैल्यू अनलॉकिंग। और फाइनली मॉइल, यहाँ पर मैंगनीज ओर की कीमतों में बढ़ोतरी करी है कंपनी ने, 3 से 6% की बढ़ोतरी की गई है, यहाँ पर रखिए नजर, ये है आज के टॉप 10 स्टॉक्स।